लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसके अलावा सेकेंड लॉ के बेसिस पे फोर्स का जो फॉर्मूला आता है एफ इज इक्वल टू एम ए, उसको डिराइव करना सीखे थे। फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, उसको हम लोग एक दो एग्जांपल देखे थे, लेकिन आज जो है उस एग्जांपल्स को फिर से लेते हुए समझते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको अच्छे से समझना है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है उसको। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है, तो पहले तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए होंगे ये हम उम्मीद करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि फॉर्मूला को जो है वो समझना है अच्छे से, कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो फॉर्मूला जो आता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के जगह पे क्या होता है वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, तो ये चीज है। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कंक्लूजन जो है वो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सो हम देखते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर कम होती है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शन अगर होता है तो उसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ही कम हो तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन जो देख रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे वी माइनस यू जो है, ठीक है, वी माइनस यू जो है वो क्या है, वो न्यूमरेटर में है एम इंटू वी माइनस यू, और टी जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, टाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा है इसका मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी, मतलब फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो पूरे फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू जो है ये हम जानते हैं कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स की वैल्यू कम होगी, ठीक है। वैसे ही अगर टाइम की वैल्यू अगर कम है, ठीक है, टाइम की वैल्यू कम है इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब कम होती है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जब टाइम कम है तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू जब ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन कंक्लूड दैट इफ टाइम इंक्रीजेस, अगर टाइम बढ़ता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू जो होगी वो घटेगी, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो होगा वो घट जाएगा। वैसे ही अगर टाइम की वैल्यू अगर घट जाए तो इसका मतलब डिनोमिनेटर घट रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मतलब फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, वही चीज है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में कि ग्रेटर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ही ज्यादा होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ही कम होगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो बताया गया है ये वाला, ठीक है, इस चीज को ये मैथमेटिकली इस चीज को जो समझाए हैं ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ये अगर समझ में अगर आ गया, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल जो इससे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ये जो एग्जाम्पल है कि एक फील्डर जो है जब बॉल कैच करना होता है तो अपने हाथ को, जब बॉल को कैच करना होता है, जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को, तो जब फील्डर जब कैच करता है तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लाकर उसको कैच करता है, ठीक है, सीधे ऐसे ही नहीं रखता है कि बॉल आया सीधे ऐसे ही, जनरली ज्यादा केस में ऐसा ही होता है कि जब बॉल जब आता है उसके पास फील्डर के पास तो वो कैच करने के दौरान अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे लेता है, ठीक है, तो वो पीछे लेने के पीछे क्या रीजन है, तो वो पीछे लेने के पीछे रीजन जो है वो रेट ऑफ ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से ही एक्सप्लेन होता है। तो देखो जैसे कि बैट्समैन जब बॉल को हिट किया,
ठीक है, बैट्समैन जब बॉल को हिट किया तो उस बॉल में मोमेंटम प्रोवाइड किया, मोमेंटम, मोमेंटम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी जो है। तो सपोज करते हैं कि बॉल का जो भी मास होगा, तो उसके बाद जब बैट्समैन जब हिट किया तो बॉल में मोमेंटम 50 kg/s आया सपोज, ठीक है। मान लेते हैं कि जो बैट्समैन जब बॉल को हिट किया तो उस जो बॉल में जो मोमेंटम जो आया बॉल में, ठीक है, वो 50 kg/s है। तो 50 kg/s उसका मोमेंटम आया। जब फील्डर उसको जब कैच करेगा, फील्डर जब उसको कैच करेगा तो बॉल आ जाएगा रेस्ट में। और हम जानते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका मोमेंटम जीरो होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पहले था 50 जब वो आ रहा था, ठीक है। जब उसको कैच कर लिया गया तब उसका मोमेंटम हो गया जीरो। तो मोमेंटम में चेंज आ गया, फाइनल मोमेंटम है जीरो, इनिशियल मोमेंटम है 50, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, जीरो माइनस 50, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो जीरो माइनस 50 हो गया चेंज इन मोमेंटम। सपोज करते हैं कि टाइम जो है यहाँ तक आने, मोमेंटम में चेंज होने में जो टाइम जो लगा वो सपोज करते हैं कि 4 सेकेंड है, ठीक है। 4 सेकेंड का टाइम लगा, तो 4 सेकेंड का टाइम लगा इस मोमेंटम में चेंज होने में, मतलब बॉल जब हिट हुआ था, ठीक है, वहां से जब वो चला और जो कैच होने तक में टाइम जो है वो 4 सेकेंड है। अगर हम डायरेक्टली अगर ऐसे कैच किए रहते, सीधे डायरेक्टली ऐसे कैच किए रहते बिना हाथ को पीछे लाए हुए, तो सपोज करते हैं कि 4 सेकेंड का टाइम लगा रहता। तो मोमेंटम में चेंज आया है क्या, जीरो माइनस 50, और टाइम कितना लगा तो 4, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ठीक है, तो 0 माइनस 50 बाई 4, तो ये क्या आएगा, -50/4, तो ये आएगा 12.5 करके आएगा, 12.5 ही आएगा, -12.5। तो -12.5 आया, इसकी वैल्यू जो है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू। तो मतलब फोर्स बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना के बराबर आया, तो -12.5 आया। अब जब वही अगर फील्डर जो है बॉल को कैच करने में थोड़ा सा हाथ को पीछे कर लेगा, ठीक है, तो जब पीछे जब कर लेगा तो उस टाइम में उसी में टाइम जो है वो लग जाएगा, सपोज करते हैं 5 सेकेंड, क्योंकि जब पीछे करेगा तो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो पहले अगर 4 सेकेंड लग रहा था तो अब लगेगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम वही है, 0 माइनस 50, ठीक है, और वो डिवाइड होगा अब किससे, टाइम से, 5 से। तो -50/5 मतलब -10, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे बता रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन है। तो पहले वाले केस में जब 4 सेकंड का जब टाइम लगा था तो मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था, 12.5, और जब दूसरे केस में जब टाइम बढ़ गया तब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, 10 के बराबर, ठीक है। तो और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो पहले केस में फोर्स लगेगा हमारे हाथ पे, वो फील्डर के हाथ पे जो लगेगा वो 12.5 न्यूटन का लगेगा, और दूसरे केस में कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का। तो टाइम बढ़ा देने से क्या हो गया, फोर्स की वैल्यू कम हो गई, मतलब चोट कम लगेगी, ठीक है। तो वहां पे जो फील्डर जो बॉल को कैच करने के टाइम में जो हाथ को जो पीछे ले रहा है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो एक्चुअली टाइम को बढ़ा रहा है, जो मोमेंटम में जो चेंज जो आ रहा है उसके टाइम को वो बढ़ा दे रहा है। तो टाइम बढ़ाने से, हम लोग पीछे में ही देखे हैं इसके जस्ट पहले वाले में, कि टाइम बढ़ा देने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू घट जाती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू घटेगी तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो मतलब चोट कम लगेगी, तो फील्डर को चोट कम लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसमें ये बात होती है। तो जिस तरह से हम लोग ये फील्डर वाला जो एग्जांपल जो देखे हैं, सेम वैसा ही जो एग्जांपल आता है, जैसे कि एथलीट्स जो होता है जब लॉन्ग जंप करता है तो जहां पे लॉन्ग जंप वो कर रहा होता है वहां पे कुशन रहता है, कोई गद्दा वगैरह चीज रहेगा, या फिर वहां पे बालू रखा हुआ रहता है, ठीक है। वो क्यों रहता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि अगर जो भी जो एथलीट है अगर वो जमीन पे डायरेक्टली कूदेगा तो जमीन का सरफेस हार्ड होता है। तो जब एथलीट जब कूद रहा है, जब जंप करना स्टार्ट किया, तो उसमें मोमेंटम है, क्योंकि एथलीट का कुछ ना कुछ मास है और किसी ना किसी वेलोसिटी से वो जंप किया। तो जब वो जंप करेगा, ठीक है,
उस टाइम में उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम है, ठीक है। तो जैसे ही एथलीट जंप किया तो उसमें उस टाइम में कुछ ना कुछ मोमेंटम है, ठीक है। और जैसे ही वो कूद के जंप करके जब जमीन पर लैंड करेगा, ठीक है, तो उस टाइम में वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो जब एथलीट जंप किया तो उस टाइम में कुछ ना कुछ मोमेंटम है, और तो सपोज करते हैं कि उस टाइम एथलीट जब जंप किया उस टाइम में उसका मोमेंटम जो है वो 20 kg/s है, और जैसे ही जमीन पर वो कूदेगा तो उस टाइम में उसका वो रेस्ट में आ जाएगा, तो मोमेंटम जीरो। तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, 0 - 20, ठीक है, 0 - 20, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस दौरान उसको 4 सेकंड का टाइम लगा, तो 4 सेकंड में जो है वो वहां पे जंप कर गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम 0 - 20/4, ठीक है, तो -20/4 मतलब आ जाएगा -5, तो -5, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, -5 आया, ठीक है। तो फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो यानी फोर्स कितना आया, -5 न्यूटन, ठीक है। अब वही जब कुशन लगा दिया जाएगा या बालू लगा दिया जाएगा, तो वैसे केस में जो होगा, जब एथलीट जब जंप करेगा तो कुशन रहेगा, कोई गद्दा रहेगा या बालू रहेगा, तो उसका पैर थोड़ा सा दबेगा, ठीक है, नीचे की तरफ धंसेगा, ठीक है। तो वैसे केस में उसको रेस्ट में आने वाला जो टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली जमीन पे जब कूदता तो वो हार्ड है, तो उसको 4 सेकंड का टाइम लगा रेस्ट में आने में, और वही जब अगर कुशन रहेगा या फिर बालू रहेगा तो जो है वो थोड़ा सा दबेगा, तो उसको रेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा। तो पहले 4 सेकंड लग रहा था, तो अब सपोज करते हैं कि 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज तो वही है, 0 - 20 / टाइम, तो टाइम लग रहा है इस बार 5 सेकंड, तो -20/5 मतलब -4, ठीक है। तो फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम -4 आया, तो मतलब फोर्स जो है वो -4 है, ठीक है। तो एक केस में, पहले वाले केस में फोर्स आया था 5 न्यूटन, और दूसरे वाले केस में फोर्स आया है 4 न्यूटन, ठीक है। तो टाइम जो है बढ़ा दिया गया, कुशन या फिर बालू डाल देने से टाइम जो है बढ़ गया, रेस्ट में आने का टाइम बढ़ गया, मोमेंटम में चेंज आने का टाइम बढ़ गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट गया तो फोर्स भी घट गया, 5 न्यूटन से 4 न्यूटन हो गया। तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, फोर्स जब घट गया तो पैर में चोट कम लगेगी, ठीक है। तो वही चीज होता है, तो इसीलिए ये सब जो भी एग्जाम्पल्स जो लिया गया उसमें काम वही हो रहा है कि इसमें जो है वो क्या कर दे रहा है, कुशन लगा देने से या बालू लगा देने से या फिर जो है वो बॉल को कैच करने के टाइम में हाथ पीछे लेने से, ये सब केस में एक्चुअली वो कर क्या रहा है, तो टाइम को बढ़ा दे रहा है। तो टाइम को बढ़ा देने से, ठीक है, टाइम को बढ़ा देने से क्या हो जाता है, जो हम लोग देखे हैं इस एक्सप्रेशन में, ये वाला जो देख सकते हैं, टाइम जो है हर एक केस में जो भी एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं उसमें वो टाइम को बढ़ा दे रहा है। तो हम लोग देखे थे कि जब टाइम अगर बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाने का मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई, मतलब पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू घटेगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू घट जाएगी। तो टाइम बढ़ा देने से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू घट जाएगी, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, तो दो सारे केसेस में क्या होगा, चोट कम लगेगी, फोर्स कम होगा तो चोट कम लगेगी, चाहे वो हाथ में हो या फिर पैर में हो, ठीक है। तो ये इस तरह से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब जो है इसके बाद वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जहां भी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जहां पे भी अगर कोई फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स हम लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर हम किसी चीज पे अगर हिट करें 10 न्यूटन के फोर्स से, तो वो भी मेरे पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम उस पे फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो वो हम पे फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो वही चीज है, तो इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड ऑब्जेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, उतना ही फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाएगा।
ये जो लिखा हुआ है F12 बराबर माइनस F21, इसका मतलब हुआ F12 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट, और F21 क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो बराबर होगा फोर्स अप्लाइड बाय सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स दैट बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो नेगेटिव साइन का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे बताता है कि फोर्स जो दोनों जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, एक दूसरे पे जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वही है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कोई भी अगर एक्शन फोर्स अगर होगा तो उसका रिएक्शन फोर्स होना ही होना है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगाएं, ठीक है, और वो हम पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ना लगाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और जैसे ही हम एक्शन फोर्स लगाएंगे वैसे ही रिएक्शन फोर्स आता है, इसमें किसी तरह का कोई टाइम लैग, मतलब टाइम का कोई गैप नहीं होता है। ये नहीं होगा कि हम अभी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए 10 न्यूटन का, उसके 1 सेकंड के बाद या 0.01 सेकंड के बाद हमको रिएक्शन फोर्स मिले, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हम एक्शन फोर्स लगाएंगे वैसे ही रिएक्शन फोर्स आता है, कोई टाइम लैग या कोई टाइम का गैप नहीं होता है एक्शन और रिएक्शन फोर्स में। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरह से जो है इसका ये एक्सप्लेन होता है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ठीक है, और उसके अलावा थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये रिलेटेड बातें हैं। उसके अलावा जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, तो वो भी हम लोगों को देखना है। तो जैसे कि इसमें बोट गेट्स पुश्ड बैक व्हेन अ पर्सन जंप्स टू द बैंक ऑफ रिवर, जब अगर नदी किनारे अगर कोई, अगर ये जैसे कि कोई नाव है उस पर, नाव पर अगर हम खड़े हैं और नाव से जैसे ही अगर जंप करेंगे हम किनारे पे, तो ऐसा होता है कि नाव जो होता है पीछे की तरफ पुश होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो जिस टाइम में आदमी को जो होता है वो बोट से उतर के किनारे पे जब जाना है तो वो क्या करता है, ये इस पे बोट क्या करता है, जैसे कि उसमें जो आदमी जो होगा जो नाव पे जो खड़ा है, तो जितना फोर्स, जितने फोर्स से वो पीछे की तरफ नाव पे पुश करता है उतने ही फोर्स से बोट भी उसको पुश करेगा आगे की तरफ। तो बोट जो है वो पर्सन को आगे की तरफ पुश कर रहा है तो वो किनारे पे चला जा रहा है, तो उतना ही फोर्स जो है वो आदमी भी जो होता है वो बोट पे पीछे की तरफ लगाता है। तो बोट जितना फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ आदमी पे, पर्सन पे, उतना ही फोर्स पर्सन भी जो है बोट पे लगाता है पीछे की तरफ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। इसीलिए हम चले जाते हैं किनारे पे आगे की तरफ और बोट चला जाता है पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें। तो वही है, इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ के बाद फुल स्टॉप है, फिर कैपिटल लेटर से, फॉर जंपिंग टू द रिवर, रिवर के पर जंप करने के लिए पर्सन जो होता है वो बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बोट भी पर्सन पे जो होता है उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाता है, तो इसीलिए पर्सन जो है वो आगे की तरफ जंप कर जाता है, चला जाता है, और बोट जो होता है वो पीछे की तरफ धक्का खाता है। गन को जब फायर जब किया जाता है, ठीक है, गन को जब फायर किया जाता है तो क्या हो जाता है, जब पिस्टल या गन से हम फायर जब करें, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि गन जो होता है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, चूंकि गन के अंदर बुलेट है, ठीक है, तो जैसे हम फायर करते हैं तो गन क्या करता है, बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, आगे की तरफ। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बुलेट भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे की तरफ गन पे लगाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गन, बुलेट तो चला गया आगे और गन पे लगा है फोर्स पीछे की तरफ, तो वो पीछे की तरफ धक्का खाता है। इसीलिए फायरिंग करते टाइम में अपने हाथ पर होल्ड जो है बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, अगर थोड़ा भी अगर वीक अगर रहेगा तो वो सब हाथ से निकल छूट सकता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ही बेसिस पे ये भी चीज एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही जो फायर ब्रिगेड का जो होता है, तो जब पानी जो से आग जो बुझाने आता है,
तो जो हॉर्स, उसको बोलते हैं हॉर्स, जो वो पकड़ता है उसको हॉर्स बोलते हैं। तो वो बहुत स्ट्रांगली पकड़ना होता है, बहुत स्ट्रांगली पकड़ना होता है, क्योंकि पानी जो उससे निकल जो रहा है, तो हॉर्स पानी पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है। पानी को निकालने के लिए हॉर्स जो है वो पानी पर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो उतना ही फोर्स पानी भी हॉर्स पे पीछे की तरफ लगाता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ लगाता है, जिसकी वजह से हॉर्स जो है पीछे की तरफ धक्का खाता है, पुश हो सकता है। इसीलिए उसको स्ट्रांगली पकड़ना जरूरी होता है। अगर स्ट्रांगली नहीं पकड़ा जाएगा तो वो पीछे की तरफ गिर जाएगा, हाथ से छूट सकता है, फायरमैन जो है उसके हाथ से, ठीक है। तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और उसके बेसिस पे जो ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन होती हैं वो चीज, ठीक है। तो ये आई होप इतना, ये सब जो भी चीज है वो सब समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इसका बाकी का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लॉज भी जो बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। बुक से और नोट्स से दोनों से इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगी तो इसको पूछना है।